जब नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई तब आरजेडी से 17, जेडीयू से 12, कांग्रेस से 2 और निर्दलीय और हम से एक एक मंत्री बनाए गए थे। कांग्रेस का कहना है कि उनके राज्य में 19 विधायक, इस हिसाब से पार्टी को कम से कम 4 मंत्री पद मिलने चाहिए। इसको लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार पर जो बयान दिया है उससे ऐसा लग रहा है जैसे बिहार सरकार में इस वक्त सबसे बड़ा कद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। जी हाँ, बिहार में महागठबंधन सरकार में जल्द उथल फुथल हो सकती है, कांग्रेस को झटका लग सकता है। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया जिससे ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ही पूरी की पूरी कमान सौंप दी है। क्या है नीतीश कुमार का वो बयान और किस तरह से तेजस्वी को पूरी कमान सौंपी जा रही है, समझाते हैं आपको इस आसान रिपोर्ट में। कांग्रेस 2 सीटें मांग रही है, क्या कैबिनेट का विस्तार हो रहा है? कैसे कैबिनेट का विस्तार? नहीं नहीं, आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर महागठबंधन में शामिल पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान तेज हो गई है। कई समय से कांग्रेस कैबिनेट विस्तार की मांग कर रही है, वही कांग्रेस के 2 और मंत्री बनाने की मांग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया है और साफ साफ कह दिया है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जाए। कांग्रेस 2 सीटें मांग रही है, क्या कैबिनेट का विस्तार हो रहा है? कैसे कैबिनेट का विस्तार? नहीं नहीं, आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना। ये बात हो गई है ना, जो जब सब एक नए तरह का अलायंस होकर के हो गया है तो इस साइड का कितना होगा वो तय, और वो लोग बात कर लेंगे। हम तो वेट ही कर रहे हैं कि जो भी करेंगे। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस लंबे समय से विधायकों की संख्या के आधार पर बिहार में पार्टी के 2 और मंत्री बनाने की मांग कर रही है। वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी इस संबंध में नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में फिलहाल कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना है। वहीं आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि समाधान यात्रा के बाद वो बिहार में कैबिनेट विस्तार करेंगे। सीएम ने कहा समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, और वो केवल हमको नहीं कहे हैं, आप लोगों को भी उन्होंने कहा है मधुबनी की सभा में। उसके बाद ये सवाल बनता नहीं है, अब आप लोग नाश्ता करके मुखातिब हो जाइए। फिलहाल तेजस्वी के कैबिनेट विस्तार की बात से इनकार करने के बाद से आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान बढ़ गई है, और अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार की गेंद तेजस्वी यादव के पाले में डाल दी है। ऐसे में महागठबंधन में भारी घमासान होने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबर समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।